अभी जब आप बीमार हो गए थे तब आपका क्या चिंतन चलता रहता है? याद हो गया था साइंस वाले का, तो उस आए थे तो तुमने सब लिखा दिया था, हाँ, जब आप इंदौर से आए थे। और इसे कोई लिखने वाला नहीं था, तो फिर मुझे इतनी याद रहती रही सारे। तो ये बीमारी के समय भी आपका ऐसे चिंतन चलता रहता है? और क्या कहना, अभी मुझे बहुत डर नहीं रहा है, मरने का डर तो रहा नहीं बिल्कुल भी। मैं तो 24 घंटा तैयार हूँ, 1 सेकंड भी बेगर कुछ नहीं होता है, कोई घबराहट वबराहट होती नहीं है, और शांति से जैसे हमेशा चलता वैसे चलता रहता। तो इस निर्भयता का आधार, मुझे इस पे भी मैंने बहुत सोचा, हाँ देखो अभी मैंने बहुत सोचा था, अभी लिखाया नहीं किसी को, अच्छा, मुझे कछु भय ना रे जान लियो सर। जान लियो संसार, क्या अर्थ है इसके बताओ, कि मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने संसार जान लिया। तो वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि भगवान है तो वो बचा लेंगे, मैं उनका सच्चा भगत हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ऐसा कुछ है, कोई कारण नहीं दिया उन्हें, उनने कोई कारण नहीं दिया कि निर्भयता का आधार क्या है। तो भय माने क्या, कि मैं मरूंगा नहीं, मरना तो स्वभाव है, उससे भय के लिए मुझे किसी की जरूरत क्या है, वो तो वस्तु का स्वरूप है। तो फिर भय माने क्या, तो मेरे कुंड कुंड ने क्या लगा, भय माने शंका, और सात भय लिखे, ये लोग भय वन लोग भय, तो उनका हो गया शंका। तत्व में जिन वचन में शंका, तत्व में शंका होना इसका नाम भय है। देखो लिखा मूल गाथा में है ना, निर्भया निशंका होती निर्भया तीर्ण है, आई गाथा ख्याल में, ये आत्मा निशंक है, अंग का धारी है, इस कारण से निर्भय है, निर्भय होने के कारण से ये निशंक अंग का धारी है, और मुक्त भय में प्रमुख का सात भय से मुक्त है। तो सात भय से मुक्ति कैसे होगा, तो उस छंद में लिया कि कछु भय नारे जान लियो संसार, संसार का स्वरूप मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है, एक दिन मरना जरूर होगा, ये संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप तो परिणमन स्वभाव है, परिणमन मन प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी है, और उस द्रव्य के परिणमन में किसी भी परद्रव्य का पंचमात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, ये इस आधार पर मेरी निर्भयता। देखो अगली पंक्ति है, जा करी जैसे जाई समय, जैसे जाई समय में जो हो तब जा द्वार। अब जिसका जिस समय में जिस विधि से जिस द्वार माने जिस निमित्त पूर्वक जो होना नक्की है सो हुई है, तरी है कछु नाही, वही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। कर ली इन्होंने, मैंने ये नक्की कर लिया कि उसे दुनिया का कोई आदमी बदल नहीं सकता। याते कछु है नारे जान लियो संसार, कर लीनो निर्धार, क्या निर्धार कर लिया कि मैं भगवान तेरी भक्ति करूंगा तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा, तू बदल देगा। मैं तो ये नक्की किया है कि कोई की ताकत उसे बदल नहीं सकती, बदलना उसका स्वभाव नहीं है, किसी में ये शक्ति नहीं है, ये निर्णय कर लिया है। तो निर्भयता का आधार तो ये है, अब मैं ही बदलने की बात करूं क्या, मैं बदलने की बात करूं ये तो सही नहीं है ना। कर लीनो निर्धार, याते कछु भय ना रे, जाई समय में जो तब जाता है ना, तो जो भी इसी टाइप का रहता, मतलब ये नहीं है कि बता निर्भय का अर्थ ना तो ये मरना है, इससे कोई समझ, मतलब सब भय तो साथ हैं, ये लोग भय पर लोग भय, ये लोग की मेरी व्यवस्था बिगड़ ना जाए,
अच्छी आर्थिक नौकरी है, बढ़िया मिल रही है, तो आराम से ले रहा हूँ, कल के लिए सब आपकी छुट्टी। तो इस लोग भर हो गया, नरक ने गोद में ना चला जाऊं, पर लोग भय हो गया। अकस्मात भय अभी इन्हीं दिनों में इसी बीमारी के पीरियड में जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो विच्छेद जैसे हो जाते हैं। ऐसा मेरे को एहसास हुआ कि मैं मर गया हूँ और मैं भोग भूमि में चला गया इस बार। हाँ अच्छा, तो मिल गया रे। एक सेकंड मेरे को आश्चर्य हुआ, वहां वहां भोग भूमि में। भाई तुम भोग भूमि में। एक सेकंड बाद वो निकल पाया कि इसमें तुमने तो ये निर्णय किया था ना कि जो भी होना है भविष्य में वो मुझे बिना मीन में किए स्वीकार स्वीकृत है। इसमें ये प्रश्न चिन्ह कैसे लग रहा क्या? इसका मतलब तेरी वो श्रद्धा कमजोर थी, सही नहीं थी। तूने कई दफे कहा है, मैंने सुना है, ऐसा मैंने ये आत्मसंबोधन दे रहे हैं। बोल क्या हो, किसी दूसरे कौन है क्या? कई दफे कहा है कि मुझे जो भी होगा नरक में भी तो भी मैं ऐसा क्यों, और ऐसा इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है क्या? ये विकल्प के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। तुझे आश्चर्य क्यों हो रहा? लेकिन इतनी दृढ़ श्रद्धा मजबूती में ऐसा होना नहीं चाहिए। वस्तु के स्वरूप की बात मैं करता हूँ, ऐसा ही कहता हूँ, उसका मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन सी बुरी जगह है जो मैं ऑब्जेक्शन करूँ? देवगति में भी भोगों की मुख्यता, यहाँ भी भोगों की मुख्यता, ऐसा ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। लेकिन तो क्या भाई, जैसे राजा सैनिक को नरक गति पहले बन गई थी और बाद में समय दर्शन हुआ, तो हो सकता है कि तुमको मनुष्य गति पहले बन गई हो, बन सकती ना। तुम जानते हो, तुम तो करुणानियों के जानने वाले हो, जैसी मनुष्य गति भी पहले बन सकती है, ऐसी त्रिज गति भी बन सकती है। नरक की गति की बात थोड़ी है, उदाहरण तो एक नरक गति का एक है। तो वो जीव जिनके पहले आयु बन जाती है, बाद में समय दर्शन होता है, वो जीव भोग भूमि में जाते हैं और भोग भूमि में नियम से बस वहां से स्वर्ग जाते हैं। अब स्वर्ग से जाके मनुष्य के उसी वक्त से मोक्ष भी जा सकते हैं। जाएंगे ही, गारंटी नहीं, जा सकते हैं, लेकिन इतना नक्की है। तो मैंने कहा ये प्रकारांतर से स्वर्ग ही तो हुआ, भोग भूमि में आ गए और फिर देव गति में जाओगे तो देवी गति में जाना हुआ ना। क्योंकि पहले आयु बन गई आया था ना, इसलिए आपको तो जो है वो सहज स्वीकृत होना चाहिए। ऐसा चिंता होता पूरा एक घंटे का, पूरा एक लेख लिख लू ऐसा नहीं, अभी तैयार है सब लिख लिख में तैयार रह जाता। मुझे भयंकर से भयंकर वेदना की बात बता रहा हूँ मैं।